हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मसाला मैगी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। आप एक बार खाओगे तो आपका बार बार खाने को मन होगा। इसके लिए मैंने 2 पैकेट मैगी के ले लिए हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारा शेयर कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। प्याज, आलू ये कच्चे हैं, टमाटर, मटर ये फ्रोज़न मटर है, पनीर, टमाटो, केचप, फ्रेश धनिया, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन, चिल्ली फ्लेक्स और ग्रीन चिल्ली। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें पनीर फ्राई करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, पनीर फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकालूंगी। पटेटो फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, पटेटो फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकालूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डालूंगी, लहसुन, प्याज, प्याज भुन चुकी है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, 1/2 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च, चिल्ली फ्लेक्स, 2 स्पून टमाटो, केचप। इससे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है मैगी में। देखिए फ्रेंड्स, मसाला कुक हो चुका है, इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर 2 कप वाटर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हम 2 पैकेट मैगी बना रहे हैं तो हम 2 कप वाटर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा पैकेट मैगी बना रहे हो तो आप अपने पैकेट के हिसाब से वाटर ऐड करिए। मटर, देखिए फ्रेंड्स पानी बॉईल हो चुका है, अब हम साबुत ही इसको ऐसे डालेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तोड़ने से वो अच्छी नहीं बनती हैं। इसको ऐसे कर लें आप आराम से, तोड़े नहीं। पटाटा डालूंगी इसके अंदर मैं फ्राई करे हुए, और पनीर। फ्रेंड्स, पटेटो और पनीर हमेशा बाद में ही डालें, नहीं तो वो क्रिस्पी नहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए एंड में ही डालें जब मैगी पूरी तरह कुक हो जाए। अब इसके अंदर मैं मैगी मसाला ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मसाला मैगी रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मसाला मैगी कैसी लगी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।